हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कह जरा, आज है 19 तारीख और दिन के बज रहे हैं 12। तो आज मैं जा रहा हूँ, आपको जैसे कि पता होगा, मैंने आपको बताया पिछले ब्लॉग में कि मैं आज जा रहा हूँ शादी में। तो कल है, वैसे तो शादी कल है संडे को, आज डे है कौन सा डे, आज सैटरडे है। हाँ, तो अभी जो जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम, तो आज सैटरडे है, कल शादी होगी, तब तक ये ब्लॉग डलेगा तब तक तो शादी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो आज ही स्टार्ट होगी, वैसे आज मेहंदी है। तो अभी मैं वहां जा रहा हूँ, बाकी आरती मुंह बना के बैठी हुई क्योंकि आरती को नहीं लेके जा रहे। चलोगे आप भी क्या? चलोगे सच में? देख लो, बाद में मत बोलना। पहले मैं बोल रहा था कि चलो चलो, मना कर रही है, तो अभी बोलती है कि नहीं ले चलो, कैमरा के सामने बोल रही है कि ले चलो। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे? मैंने बोला नहीं लेके जाओगे, नहीं तो क्या होगा? बोल दो कैमरा के सामने। क्या बोल रहे? क्या कि अगर तेरे को लेके गया तो मेरे पे भी लाइन नहीं बोला। ऐसा नहीं है, वो तो वैसे मजाक मजाक में बोल दिया था मैंने कि इसको लेके जाऊंगा तो लाइन शाइन कैसे मारूंगा, लाइन शाइन किससे मारनी है अभी तो किसी को बड़ा पता लगेगा। नहीं नहीं, अरे नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो वन एंड ओनली आपका हूँ बस। मैं किसी के मैं सभी पे नहीं देखता मैं। बाकी आपको नहीं, बाकी सभी को पता है वैसे क्यों नहीं जा रही आरती, तो वही रीजन है कि आरती नहीं जा रही है। बाकी चलो कोई ना, सैन नहीं होना, आ जाऊंगा मैं, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे कल्चर में जो शादी होती है पहाड़ी कल्चर में, वो होती है 2-3 दिन लगी रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगी सर कुछ। तो आज मेहंदी है, आज भी धाम होगी, बहुत सारे गेस्ट होंगे वहाँ पर। तो कल तो बारात जानी है, फिर बारात एक दिन वहीं पर रहती है जहाँ पे जानी है, मतलब लड़की जहाँ जानी है लड़की वाले के पास में रहती है एक दिन, एक रात मतलब। और दूसरे दिन फिर वो वहां से दूसरे दिन वापस आएंगे, दूसरे दिन भी शादी होगी, फिर तीसरे दिन भी शादी होगी, 3 दिन शादी कंटिन्यू चलेगी। आज से डाल लो आप, आज 19 तारीख है, 19 तारीख को भी दाम होगी, 20 को भी होगी, 21 को भी होगी, 22 को भी होगी, 22 तक ये शादी चली रहेगी। और बहुत से लोग, आपने आपको पता ही है कि पैंट कोट, भाई कोट तो ठीक है, पैंट की कमर जो है वो टाइट होगी वहां से। तो बहुत से लोग भी बोल रहे थे कि कम खाना, वैसे मैंने सोचा कि कम खाया करूंगा यार अभी, नहीं ऐसा नहीं है, खाता मैं उतना ही हूँ, ये है यहाँ पे खाने के बाद में कुछ काम नहीं होता। और जब घर में थे तब ऐसा होता था कि कुछ वैसे ही खाते थे, लेकिन उस टाइम वहाँ पे क्या है कि काम होता था, काम करते थे, और जो भी हम अप डाउन करते थे मतलब वहाँ पे चढ़ाई आपको पता पहाड़ों पे, तो ऐसे में ना वो बैलेंस बना रहता था। यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस खाया सो गए या फिर बैठे रहे। अगर कहीं जाना भी है तो यहाँ, वैसे मैं वॉक पे भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये प्लेन एरिया, सीधा सीधा कोई कष्ट नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ पे चढ़ाई है, तो वहां पर चढ़ना, सामान ढोना, तो सामान को लेकर चढ़ना, तो ऐसे में सारा बैलेंस बना रहता है। तो वो तो अभी हो, वो तो मैनेज हो जाएगा, खेतों के काम चल पड़े हैं अभी मार्च से, तो वो भाई बुरा हाल होने वाला है, बुरा हाल होने वाला है, ये पेड़ तो अंदर चला जाएगा, और जो भी मतलब थोड़ा अनबैलेंस हो रखा है ना वेट, वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो वो तो है, लेकिन अभी जो ड्रेस ले रखी है ना तो वो अभी फिट नहीं आ रही, तो अभी देखते हैं शादी में। मुझे समझ अच्छी तो लग रही है, बट शादी में मुझे समझ नहीं आ रहा लगाऊंगा क्या मैं, तो देखते हैं अभी क्या बनता है और क्या नहीं। हाँ जी, तो चलो अभी ऐसा करते हैं, नहाते हैं और यहाँ से निकलते हैं फिर शादी वाले घर में, वहां पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो मेहंदी वगैरह होती है। अब ऐसे आपको पता ही होगा हमारे कल्चर में किस तरह का सीन रहता है, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, और कल शादी भी है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, वो तो दिखाऊंगा ना, पता क्या है, मुझे पता है क्या उल्टा ही सोचती हूँ हर बार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हर बार इसका दिमाग जो है ना उल्टा ही चलता है। तो अभी चलो यार, नहाते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो अभी यार गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ घर में जहाँ की है शादी। तो अभी ऐसा करते हैं कि आपको ले चलते हैं दूसरे रूम में जहाँ पे है शादी, नहीं सॉरी, जहाँ पे मेहंदी लग रही है वहाँ पे ले चलते हैं, और आपको दिखाते हैं किस तरह से लगा रहे हैं मेहंदी वगैरह। और बाकी यहाँ पे मेरे चाचा जी है, ये तो ये बोल रहे हैं बंद कर बंद कर, कोई वीडियो नहीं बनानी। क्यों चाचा जी? अच्छा इधर देखो, इधर देख लो, वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? देख रहा हूँ, चाचा का काम ओके अभी, ठीक है, शादी वाले माहौल में ऐसा ही चलता है। क्यों बुआ जी? बाकी मेरे यहाँ पे बुआ के लड़के भी हैं, मतलब काफी ज्यादा बड़े हैं मेरे से। और बड़का जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया हो?
तो शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बड़का जी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमारे लैंग्वेज में बड़का जी बोलते हैं, जो बड़े भाई होते हैं उनको बोलते हैं बड़का जी। तो अभी चलो चलते हैं दूसरे रूम में। तो यार ये रहा दूल्हा जो जिसकी शादी है, तो अभी यहाँ पे मेहंदी लग रही है, बाकी बहनें वगैरह जो भी हैं वो मेहंदी लगा रही हैं। तो ये देखिए